हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संख्याएं 71 से 80 तक। ये है हमारे स्टूडेंट रिंकू, तो आज ये हम पढ़ेंगे संख्याएं। अच्छा रिंकू, ये बताइए, जब हमारे पास एक बंडल, लीजिए एक बंडल, अब आपको हमने एक और बंडल दिया, कितने हो गए? 20। दो, तीन बंडल, चार बंडल, पांच बंडल, छह बंडल और एक सात बंडल, तो ये कितनी संख्या हो गई? 70। 70 संख्या कहाँ पर है रिंकू? वेरी गुड। तो जब हमारे पास 10-10 के सात बंडल होते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाती है? 70। तो आज अब हम पढ़ेंगे संख्याएं हमारी 71 से 80 तक। तो हमारे पास सात बंडल हैं और एक स्ट्रॉ और है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 71। 71 कहाँ पर है रिंकू? ये है हमारी संख्या 71। अब हमारे पास सात बंडल और दो स्ट्रॉ है, हमारी संख्या 72। वेरी गुड, हमारी संख्या 72। अब हमारे पास सात बंडल और तीन स्ट्रॉ है, हमारी संख्या क्या होगी? 73। वेरी गुड, हमारी संख्या होगी 73। अब हमारे पास सात बंडल और चार स्ट्रॉ है, तो हमारी संख्या क्या होगी बच्चों? 74। वेरी गुड, हमारी संख्या होगी 74। अब हमारे पास सात बंडल और पांच स्ट्रॉ हो गए हैं, अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 75। वेरी गुड। अब हमारे पास सात बंडल और छह स्ट्रॉ है, अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 76। कहाँ पर है 76? ये रहा। वेरी गुड, हमारी संख्या हो जाएगी 76। अब हमारे पास सात बंडल और सात स्ट्रॉ हो गए, अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 77। वेरी गुड। अब हमारे पास सात बंडल और आठ स्ट्रॉ है, अब हमारी संख्या क्या होगी? 78। हमारी संख्या हो जाएगी 78। अब हमारे पास सात बंडल और नौ स्ट्रॉ हो गए, अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 79। वेरी गुड, हमारी संख्या हो जाएगी 79। अब हमारे पास हो गए हैं सात बंडल और दस स्ट्रॉ। अब हमको पता है रिंकू, जब हमारे पास दस स्ट्रॉ हो जाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? इनका एक बंडल बना लेते हैं। तो हमने इनका एक बंडल बना लिया। अब हमारे पास कितने बंडल हो गए? गिनिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और एक आठ। तो जब हमारे पास आठ बंडल हो गए तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 80। हमारे पास संख्या हो जाएगी 80। वेरी गुड, थैंक यू।